नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। आइए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। मैं भी कहां जा रहा हूं, मैं भी नहीं छोड़ू। आप सबके चाहे थे और बहन के बैठ के चाहे थे अब आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहां जा रहा हूं, मैं भी नहीं छोड़ू। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने अपने आप से लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको छोड़ दिया था भैया। सुना, ये प्रदेश की उन बहनों की जुबान कह रही है जिसने अपने भाई के नाम पर वोट किया। अब उसका भाई यानी शिवराज सीएम नहीं रहे, जिसकी उदासी देखिए बहनों की आंखों में दिख रही है। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है। और उन बहनों की आंखों में आंसू देखकर सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए। आंखें उनकी नम हुई, भावुक वो भी हो गए। आप सबके चाहे थे और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक एक बैठ के चाहे थे हो अब आपको नहीं छोड़ेंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी लाडली बहनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी लाडली बहनें उनसे लिपटकर खूब रोईं। शिवराज सिंह भी भावुक दिखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के उत्थान के लिए काम करता रहूंगा। जनता और मेरे बीच कभी सीएम वाला रिश्ता नहीं रहा, बल्कि मामा और भाई वाला रिश्ता है। इस प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी टूटने नहीं दूंगा। आप सबके चाहे थे और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक एक बैठ के चाहे थे अब आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहां जा रहा हूं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हां, आपको नहीं छोड़ूंगा। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने अपने आप के लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। एमपी उज्जैन शहर जो बाबा महाकाल की नगरी से प्रसिद्ध है, अब बाबा महाकाल ने अपने एक भक्त पर कृपा बरसाई और उन्हें जमीन से उठाकर आसमान में बिठा दिया। एक क्षेत्र के नेता से सीधे प्रदेश का राजा बना दिया। अब इसे महाकाल की कृपा ही कहिए जिसे बिना मांगे राजयोग मिला, गद्दी मिली वो भी प्रदेश की। उज्जैन के विधायक अब प्रदेश के सीएम बन गए हैं। उनके सीएम बनने के बाद महाकाल मंदिर में उनके नाम विशेष पूजा अर्चना हुई। पुजारियों ने बाबा का श्रृंगार किया और दूध से अभिषेक करने के साथ पूजा आराधना की। बता दें कि मोहन यादव विधायक दल की बैठक में जा रहे थे तो वहां जाने से पहले महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। शायद उन्होंने प्रार्थना में सीएम की इच्छा भी नहीं जताई होगी। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहने वाले मोहन यादव को सीधे सीएम पद मिल गया, जिसके बाद महाकाल मंदिर में पूजा हुई तो वहीं उनके घर परिवार में जश्न का माहौल है। सड़क दुर्घटना में रोज कई लोगों की जान जाती है, तो वहीं देश में कई हिट एंड रन के मामले भी सामने आते हैं। एक बार फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक बुजुर्ग को एक गाड़ी ने रौंद डाला। पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये दर्दनाक हादसा आर्थिक राजधानी इंदौर में हुआ, जहां फुटपाथ पर लेटे बुजुर्ग को स्कॉर्पियो ने रौंद डाला, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग फुटपाथ पर सोया हुआ था, वहीं एक गाड़ी रफ्तार से आती है और अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ जाती है। वहीं फुटपाथ पर सो रहा बुजुर्ग इसकी चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हादसे के बाद कार चलाने वाला व्यक्ति मौका मिलते ही वहां से भाग निकलता है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। सड़क पर एक के बाद एक कर तीन ट्रक पलट गए, एक ट्रक के तो परखच्चे तक उड़ गए। तस्वीरें देखिए क्या स्थिति है, ऐसा लगता है मानो कोई भीषण हादसा हुआ है।
ये तस्वीरें सिवनी के नेशनल हाईवे 44 की हैं, जहां एक के बाद एक करते हुए तीन ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसमें तीनों ट्रक सड़क किनारे पलट गए। इस हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हो गई तो वहीं दो घायल हैं, जिसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। तो वहीं हादसे की खबर लगते ही छपारा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्रों ने पड़ाव थाने पर देर रात जमकर हंगामा किया। ये हंगामा एबीवीपी के दो छात्रों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में हुआ। दरअसल यूपी के पीके विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रणजीत सिंह कुछ छात्रों के साथ ट्रेन से झांसी जा रहे थे। यात्रा के दौरान वाइस चांसलर रणजीत सिंह की तबीयत बिगड़ गई। छात्रों ने जब ट्रेन में चिकित्सा सुविधा मांगी तो उन्हें उपलब्ध नहीं हो सकी। ऐसे में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस की उम्मीद में वे सभी उतर गए। जब एम्बुलेंस भी नहीं मिली तो छात्रों ने ग्वालियर स्टेशन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टेशन पर खड़ी ग्वालियर हाईकोर्ट के जज की कार को निशाना बनाया। जज के ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दो छात्र हिमांशु और सुकरात को हिरासत में लिया है, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा किया। परिषद के प्रांत मंत्री संदीप वैष्णव का कहना है कि उनके साथियों ने किसी की जान बचाने के लिए ये कदम उठाया था, उसके बाद भी उन पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में न्याय होना चाहिए। उज्जैन टोल प्लाजा पर हंगामा। टोल के पैसे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल उज्जैन और देवास के बीच में नया फोर लेन तैयार हुआ और अब उस पर टैक्स देना भी अनिवार्य है, लेकिन हंगामा उस समय मच गया जब टोल कर्मी यात्रियों से टैक्स मांगने लगे। दोनों के बीच विवाद हुआ। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने यात्रियों को जमकर पीटा। जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जल्द कार्रवाई करने की बात कही। जबलपुर में अमेरिका से दूसरी शादी करने के लिए आए एक युवक के घर में जमकर हंगामा हुआ। दूसरी शादी की जानकारी मिलने पर विदिशा में रह रही पहली पत्नी ससुराल आ गई और उसने पति पर प्रताड़ित सहित कई गंभीर आरोप लगा दिए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार पत्नी ने भी यह आरोप लगाया कि पति ने उसे अमेरिका ले जाकर प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया था। इसके बाद से वो 4 साल से अपने मायके में रह रही है। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। वहीं पति ने कोर्ट जाकर सशर्त जमानत ले ली है, लेकिन उन्हें शहर छोड़ने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के ट्रैक से लड़की के कूदने की कोशिश करने का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो 11 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन से आगे निकलकर एक लड़की ट्रैक के सहारे बाउंड्री के जरिए आगे निकल गई और फिर वहां से कूदकर सुसाइड की धमकी देने लगी। जब लड़की को मेट्रो पुलिस और नीचे रोड से गुजर रहे लोगों ने देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया और उस लड़की को बातों में उलझाए रखा। इसके बाद मेट्रो स्टाफ और पुलिस ने लड़की को कूदने से बचा लिया। बदन पर स्कूल यूनिफॉर्म, हाथ में झाड़ू, ये नैनी हाल है जो अपने भविष्य को संवारने के लिए स्कूल पहुंचे। माँ बाप ने स्कूल भेजी इसलिए ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन स्कूल वालों ने इन्हें सफाई कर्मी बना दिया। ये वीडियो बिलासपुर की है, जहाँ एक स्कूल में छात्रों से झाड़ू पोछा करवाया जा रहा है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूली बच्चे पढ़ाई लिखाई की बजाय साफ सफाई करते दिख रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों से साफ सफाई कराने को गलत बताते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ये मामला सरकंडा मुफ्ती धाम के सामने स्थित एक स्कूल की है। ये गुस्से की आग है, सड़क पर सन्नाटा, जो पसरा है वो मातम की है। ये मातम उस मौत की, जहां एक परिवार के तीन लोगों ने अलविदा कह दिया। तस्वीरें घटना गरियाबंद जिले के कोबरा नावापार के तर्री रोड स्थित बगदेही पारा स्कूल के पास की है, जहां अपने दो बच्चों को बाइक पर बिठाकर पिता स्कूल छोड़ने जा रहा था। इस दौरान एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को ठोकर मार दी।
ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि हाईवा में दो मासूम समेत पिता की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया। घटना के बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, सड़क को जाम किया। घटना सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और प्रशासन से मृतकों की मुआवजे और ट्रक ड्राइवर पर उचित कार्रवाई की मांग उठी। हालांकि आरोपी हाईवा चालक ने भागकर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। ये मौत की खबर बताती है कि जब भी सड़क पर निकलें तो सावधान रहें। हो सकता है आप गलत ना हो, लेकिन सामने वाले इंसान किस रफ्तार और किस तरह गाड़ी चला रहा है, इससे आप बेखबर होते हैं। आपने फिल्में बहुत देखी होंगी जिसमें एक परिवार से उसका बेटा बिछड़ जाता है और फिर कोई हम शक्ल उसके परिवार में आकर खुद को उसका बेटा बताता है और आखिर में असली बेटा लौट आता है। एक ऐसा ही मामला खंडवा से आया है, जहां खालवा विकासखंड के काला आम खुर्द में 28 साल पहले घर छोड़कर गया एक युवक अपने घर वापस लौट आया। इस दौरान जब उसे पता चला कि उसके माता पिता के साथ कोई दूसरा ही व्यक्ति दीनू बनकर 10 साल से रह रहा है, तो उसने बचपन की बातें याद दिलाते हुए स्वजन से कहा कि मैं ही असली दीनू हूँ। ग्रामीणों का तांता लग गया। लौट कर आए दिनेश उर्फ दीनू ने बताया कि वो मुंबई में कैटरिंग का काम करता है। 1995 में कैसे घर से चला गया कुछ याद नहीं। बार बार घर लौटने का प्रयास किया, लेकिन खंडवा और आशापुर आने के बाद पता नहीं क्यों वापस लौट जाता था। आज मैं अपने परिवार के बीच पहुंचकर खुश हूं, तो वहीं नकली दीनू ने बताया कि मैं कल्याण गिरी बाबा हूं। तेरे परिवार वालों ने मुझे दीनू माना, माता पिता और परिवार से जो प्यार मिला उससे लगा कि मैं ही दीनू बन जाता हूं। इनका दिल ना दुखे, मैंने कई अपराध नहीं किया। परिवार ने भी कहा कि नकली दीनू ने हमारे साथ कोई छल नहीं किया। अब ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। एमपी में ठंड का सितम जारी है। अब सड़क पर सूर्य की रोशनी की जगह कोहरे की चादर नजर आती है। हवाओं में नमी का स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से सिहरन वाली ठंड शुरू हो गई है। ये हालात एमपी के 20 शहरों में देखने के लिए मिल रहा है, जहां तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया। उमरिया में ठंड कहर की तरह लगने लगे हैं। पारा 13.3 डिग्री के करीब पहुँच गया, जो प्रदेश में सबसे कम तापमान है। हवाओं का रुख उत्तरी होने से रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी। मतलब साफ है कि अब मोटे मोटे रजाई और कंबलों का सहारा लेना पड़ेगा। ठंड का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि सब्जियों पर भी पड़ रहा है, जिसमें पाला पड़ने लगा है और इस वजह से सब्जियां खराब होने लगी। प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली और सीधी में मध्यम से घने कोहरे की आसार नजर आ रहे हैं, जिससे जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से निर्माण हो रहा है। रोज मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर उत्साहित है और अब सभी को इंतजार है उस पल का, जब रामलला नए मंदिर में विराजमान होंगे। इस घड़ी को लेकर कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 28 साल का ये लड़का महाराष्ट्र पुणे से अयोध्या तक की साइकिल यात्रा पर निकला है, जो रास्ते में मिलने वाले लोगों को सनातन के प्रति जागरूक कर रहा है। वहीं जिन लोगों को पता चलता है कि वो अयोध्या तक जा रहा है, तो लोग खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। बलराम वर्मा का कहना है कि जनवरी के महीने में हिंदुओं को जगाने के लिए संत समाज का सनातन का मेला लग रहा है। हमें एकजुट होकर इसका मान सम्मान और भी अधिक बढ़ाना है, यही संदेश देने के लिए वो अयोध्या जा रहा है। कांकेर की सड़कें तब रुक गईं जब कांकेर की सड़कों पर एकाएक 3 भालू दिखे। आप देख सकते हैं कि कैसे एक मादा भालू अपने 2 शिशु भालुओं के साथ सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ी है। भालू दिखने से लोगों में सनसनी फैल गई, लोग भालू से डरने लगे। तभी कार की तेज रोशनी और शोर सुनकर अपने बच्चों के साथ जंगल की तरफ भागने लगती है भालू। दरअसल कांकेर का ये इलाका भालू जैसे जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। ये कह पाना मुश्किल है कि इंसान इनके इलाके में आ जाते हैं या फिर ये जानवर इनके इलाके में आ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, जहां इंसान भालुओं के दिखने से भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही भालू और उनके बच्चे भी इंसानों से डरते हैं।
बताया जा रहा है कि जब जंगल के अंदर पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो ये भालू सड़क पर आ जाते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों को उसकी सूचना दी है। अभी देखने वाली बात कि भालू वापस क्या रिहायशी इलाकों की ओर नजर आते हैं, क्या इनकी भूख वापस इन्हें सड़कों की तरफ खींच लाती है। आज आपसे एक सवाल है, प्रेम के बदले गोली, ये कैसी सोच है? अगर किसी का प्रेम करने से किसी को समस्या है तो मिल बैठकर समझा बुझाकर किसी तरह से समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, दो प्रेमी जोड़ों को आशीर्वाद देने वाले हाथों से बंदूक उठाकर गोली चला देगा, ये कैसी बुद्धिमानी? मामला जबलपुर के सुनवारा गांव का बताया जा रहा है कि जहां प्रेम प्रसंग के चलते दो पक्षों में खूनी होली हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हुआ ये कि दो नाबालिग किशोर किशोरी एक दूसरे से प्रेम करते थे, दोनों एक ही दिन अपने अपने घर से लापता हो गए। लड़की के घर से चले जाने के बाद गुस्से में लड़की के पिता ने लड़के के घर जाकर लड़के के पिता से बहस करना शुरू किया। बहस इस तरह बढ़ गई कि लड़की के पिता ने लड़के के पिता पर बंदूक उठाई और सीने पर गोली मार दी। लड़के के पिता की मृत्यु हो गई, वहीं लड़के का बड़ा भाई भी घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरे गांव में मातम का माहौल पसर गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आए सैलानियों को बाघ के दीदार हो गए। बाघ को अपने नजदीक देख सैलानिया रोमांचित हो उठे। मामला दुधवा टाइगर रिजर्व के सोनारपुर बीच का है। जब बेंगलुरु से आए सैलानियों की जिप्सी सोनारपुर रेंज के भूटा कुआं के पास पहुंची, तो अचानक घने जंगलों से निकलकर एक बाघ जंगल में बनी पगडंडी पर आ गया और बाघ पर्यटकों की जिप्सी की तरफ मस्त चाल में चल रहा। बाघ को अचानक से पगडंडी पर देखकर जिप्सी पे बैठे सैलानियों ने इस नजारे को अपने मोबाइल के कैमरों में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को लोग खासा पसंद कर रहे हैं। बता दें कि सर्दियां शुरू होते ही दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने के लिए देश के कई राज्यों से सैलानी आते हैं। पर्यटन विभाग भी लगातार पर्यटकों के लिए बेहतर इंतजाम कर रहा है। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख कर रही हैं। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू का तापमान 0 से 1 डिग्री बना हुआ है। पर्यटक भारी संख्या में माउंट आबू में इस ठंड का मजा ले रही हैं, वहीं विदेशी सैलानी भी इस ठंड का आनंद उठा रही हैं। सैलानियों की आवक को देखते हुए माउंट आबू के व्यापारियों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। नक्की झील पर सैलानी बोटिंग का लुत्फ उठा रही है। बाजारों में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही। माउंट आबू में आज भी तापमान जमाव बिंदु पर रहने से यहां पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें जमी नजर आई। इसी तरह शेखावटी में भी गलन भरी सर्दी रही। यहां सीकर चूरू फतेहपुर में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि एक कम प्रभाव वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के राज्यों पर एक्टिव होगा, जिससे जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। इस सिस्टम के आगे जाने के बाद उत्तर भारत से तेज बर्फीली हवा आएगी, जिससे राजस्थान हरियाणा के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात के शहरों में सर्दी तेज होगी।